अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से फुलके खूबसूरत से बना सकते हैं रोटियों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रोटी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि चलें आपको बताते हैं कि रोटी को सही तरह से फुलाने का क्या मेथड है। बेलना तो हर एक को आता है, आप इजीली इसी तरह से गोल गोल करके अच्छे तरीके से आप एक प्रॉपर रोटी की फॉर्म में इसको देख के आप बेल सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। और जो मैं आपको स्टाइल अभी बताने वाली हूँ उससे 100% गारंटी आपकी हर रोटी फुलका बनेगी और फूलेगी। आपने क्या करना है, इस तरह से जैसे ही आपने ये तवे पर डाल दिया आपने इसके इसी तरह से कलर चेंज होने का वेट करना और फ़ौरन पलट देना है। ये नहीं वेट करना कि नीचे वाली साइड पक जाए। जब आप इसको पलटेंगे देन आपने इसको नोट करना है कि इसकी सबसे पहले नीचे वाली साइड बिल्कुल ये कलर आ जाए और पक जाए। फिर आपने हल्की सी आग पर, पूरी आग पर नहीं, हल्की सी आग पर इसको सेकना है। जब भी आप देख सकते हैं इस तरह से प्यारे प्यारे से डॉट्स आ जाएंगे तब आपने इसकी साइड पलटनी है, उससे पहले नहीं पलटनी। देन जब आप इसकी दूसरी वाली साइड पलटेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता सब्र का दामन थामते हुए आप देखेंगे कि ये फूल चुकी है। ये देखें, बेसिकली सेकने का जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रोटी बेल तो बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं लेकिन उसका सेकना जो है वो मेन चीज़ मैटर करता है। अब इसी तरह से दूसरी रोटी भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब उसका कलर चेंज हो गया एक साइड से तो मैंने हल्की सी आग पर ला के उसको सेक लिया। देन जब दूसरी रोटी भी मैंने डाली इसी तरह से, जब इसका कलर चेंज हुआ मैंने इसको पलटा और देन उसके बाद जब तक डॉट्स नहीं आ गए मैंने इसकी दूसरी साइड चेंज नहीं की, ठीक है। उस जो पकी हुई साइड को थोड़ा सा आग पर ला के देन पलट के आपने इसको आग पर लेकर आना है, तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से फूल के तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कहा चले आपने ये जो छोटी सी टिप है रोटी को फुलाने वाली ये आपके साथ शेयर करूं। इट इज़ गारंटीड कि आप अगर इस स्टाइल से अगर आप सीखेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।